स्वागत है आपका फ्री कोड चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसा सोर्स कोड देने वाला हूं जिसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए आपको सबसे पहले हम ऐप का इंटरफेस दिखा देते हैं। इस ऐप का नाम होगा एक्सपेंस मैनेजर, जिसके अंदर आप मंथली इनकम अपनी या जितना भी अमाउंट होगा उसे कैसे मैनेज करेंगे या फिर उसमें से कितना आपने खर्च किया है, सारा कुछ उसके अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम इंटरफेस दिखा देते हैं आपको। ये ऐप आपको दिखेगी कैसे, जिसके आप देख सकते हैं इसके अंदर आप अपनी सैलरी ऐड कर सकते हैं और कहां कहां पे कितना पैसा आपका खर्च हो रहा है ये आपको सारा कुछ बताता रहेगा। वो भी आपको सब कुछ ऐड करना पड़ेगा पहले इसके अंदर, जिसके आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने अपनी सैलरी ऐड कर ली है। ये आपको चेक में मिलती है, सैलरी या बैंक में आती है, इसके अंदर आपको ये सारी कुछ डिटेल अपनी फिल करनी होगी। और इसके अंदर आपको दो तरीके के ऐड मिल जाएंगे, एक होगा आपका बैनर ऐड और एक होगा इन डिजिटल ऐड, जो कि ये एडमोब के ऐड होंगे। और इसके अंदर आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ। चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ आपको सोर्स कोड मिलेगा कैसे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होते ही अभी तक मैंने जितने भी फ्री में आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करें वो आपको सारे मिल जाएंगे, जो कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे। पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर मिलेगा, तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और पासवर्ड सिर्फ वीडियो के अंदर 5 सेकंड के लिए आएगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप पासवर्ड मिस कर देंगे, तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। और जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ आपको सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होते अभी तक मैंने जितने भी फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करें वो आपको सारे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। और अगर आपको इस ऐप का एपीके चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप इस ऐप को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको पूरा पोर्टफोलियो आ चुका है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपकी पूरी जितनी भी आपकी सैलरी थी वो आपने अगर फिल कर दी होगी तो आपको शो हो जाएगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर आपकी कोई अदर इनकम भी होगी तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट जाती है वो भी इसके अंदर ऑटो फीड कर सकते हैं आप। मंथली आपकी अगर कोई इंस्टॉलमेंट भी जाती है तो वो भी इसके अंदर आप फिल ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आप अगर जितना भी आपका अमाउंट डिडक्ट होता है वो भी आपको थोड़ा बहुत मैनुअली एक बार करना होगा, फिर ये अपने आप ऑटो होता रहेगा। और इसके अंदर आपको पोर्टफोलियो के अंदर आपका पूरा डाटा शो होता रहेगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको मैं पूरा कम्प्लीटली रीस्किन करके दिखाऊंगा कि आपको ये रीस्किन कैसे करनी होगी। अगर आपको कोई और सोर्स कोड चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर वो मेरे पे सोर्स कोड होगा तो वो मैं आपके लिए उसके लिए कम्प्लीटली एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको अगर यूनिटी का सोर्स कोड चाहिए और उसके अंदर आपको कम्प्लीट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं कम्प्लीट वीडियो लेके आऊँगा यूनिटी सोर्स कोड के ऊपर, या फ्लटर सोर्स कोड के ऊपर भी अगर आपको कोई चाहिए जो वीडियो चाहिए तो उसकी वीडियो भी मैं कम्प्लीटली लेके आऊँगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको इसके अंदर पूरा पोर्टफोलियो आपको शो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और पासवर्ड जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको पासवर्ड कहाँ से मिल जाएगा, और सोर्स कोड भी आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको सोर्स कोड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आप अगर अपनी करेंसी चेंज करना चाहते हो करेंसी भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको डॉलर में पैसे मिलते हैं या फिर INR में मिलते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने एंडो स्टूडियो पे, जहाँ पे हम कम्प्लीटली रीस्किन सीखेंगे। चलिए इन सब को हम अब क्लोज कर देते हैं और अपने एंडो स्टूडियो पे आ जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम अपना पैकेज नेम कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा ऐप के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके भी दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कि जहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाता जाऊंगा। जिसके आप देख सकते हैं आपका पैकेज नेम आपको शो हो रहा है, इसे आपको चेंज करना होगा। अगर आप पैकेज नेम चेंज नहीं करेंगे तो इसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं कर पाएंगे, तो पैकेज नेम आपका कंपलसरी होगा, चेंज करना होगा आपको। जैसे आपको मैंने पैकेज नेम शो कर दिया है कि जो भी आपका पैकेज नेम है वो आपका शो हो जाएगा मैनिफेस्टो में, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको मैंने जूम करके भी आपको मैंने दिखा दिया ये, और आपको चेंज कैसे करना होगा चलिए आपको हम ये भी बता देते हैं। सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना होगा, ऐप के बाद आप आ जाएंगे जावा के अंदर, जिसके आप देख सकते हैं जावा के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके जो पैकेज नेम शो हो रहे होंगे जो कि मर्ज होके आ रहे होंगे, जिसके आप देख सकते हैं ये आपके जो पैकेज नेम है वो मर्ज होके आ रहे हैं।
अगर आप इसे चेंज करेंगे तो इसके अंदर एरर शो हो जाएगा आपका, जैसे आप देख सकते हैं। आपको मैंने जूम करके भी आपको मैंने दिखा दिया है, ये तीनों के तीनों आपको पैकेज नेम शो हो रहे होंगे। मैनिफेस्टो में भी आप चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके पैकेज नेम आ रहे हैं इन्हें आप चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक ये अलग अलग नहीं होते। तो आपको सबसे पहले अलग करना होगा। अलग कैसे करेंगे, चलिए आपको हम ये भी बताएंगे। जैसे आप देखते हैं आपको मैंने जूम करके दिखा दिया जो भी आपके पैकेज नेम थे, और इन सबको हमें अलग करना होगा। अलग कैसे करेंगे, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपको एक सेटिंग का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप देख सकते हैं आपका सेटिंग का आइकन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए आपको मैंने एरो करके भी दिखा दिया है जिसके आप देख सकते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जिसके आप सेटिंग पे आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे कॉम्पैक्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कॉम्पैक्ट पे टिक हटा देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो भी पैकेज नेम होंगे वो सारे अलग हो चुके हैं। अब इसे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए आपको मैं जूम करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आ चुका है कॉम डेमो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका पैकेज नेम था वो आपका सारा शो हो चुका है। यहाँ पे कॉम डेमो एग्जाम्पल, ये आपके तीनों के तीनों पैकेज नेम आपको शो हो चुके हैं। अब चलिए इनमें से जो भी आपको पैकेज नेम चेंज करना होगा वो चेंज कैसे करेंगे, चलिए आपको हम यही बता देते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको कॉम को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद जो भी आपको पैकेज नेम चेंज करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे रिफैक्टर पे और रीनेम पे आ जाएंगे। रीनेम के बाद रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका जो भी ओल्ड पैकेज नेम होगा वो आपको शो हो जाएगा। चलिए आपको ये चेंज कैसे करना होगा, जो भी आप अपना पैकेज नेम का नाम रखना चाहते हैं उसे आपको ऊपर फिल कर देना होगा और नीचे रिफैक्टर का ऑप्शन रिफैक्टर कर देना। रिफैक्टर जैसे करेंगे नीचे आपको डू रिफैक्टर का ऑप्शन आएगा, डू रिफैक्टर कर देना होगा। यहाँ से आपका जो फर्स्ट पैकेज नेम होगा वो चेंज हो जाएगा। सेकंड पैकेज नेम का भी सेम प्रोसेस है, जैसे हमने फर्स्ट पैकेज नेम को चेंज किया था वैसे ही आपको सेकंड पैकेज नेम को भी चेंज कर देना होगा। यहाँ पे आप देखते हैं आपका जो भी पैकेज नेम वो आपको फिल कर देना है, फिर रिफैक्टर कर देना है, फिर आपको नीचे डू रिफैक्टर का ऑप्शन शो हो जाएगा, डू रिफैक्टर कर देना होगा। यहाँ से आपका सेकंड पैकेज नेम भी चेंज हो जाएगा। और एक बात का आपको और ध्यान रखना होगा, आपको एक बार ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाना होगा। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट में आपको आ जाना होगा। जैसे चलिए इसे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा बिल्ड ग्रेडल। चलिए आप उसको भी मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देखते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट, फिर आपको बिल्ड ग्रेडल इसमें आ जाना होगा। चलिए इन हाईलाइट्स को हम हटा देते हैं। सबसे पहले आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप देख सकते हैं चलिए हम जूम आउट कर देते हैं, इन हाईलाइट्स को हम हटा देते हैं। जैसे हम इसे हटाएंगे फिर आपको बिल्ड ग्रेडल में आ जाना, डबल क्लिक कर देना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपको अपना पैकेज नेम चेक कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे पैकेज नेम चेंज नहीं होता है, जैसे आप देख सकते हैं आपका पैकेज नेम यहाँ पे शो हो जाएगा, अगर आपका पैकेज नेम चेंज नहीं होता है तो यहाँ से आपको मैनुअली चेंज करना होगा। मैनुअली कैसे चेंज करेंगे, फिर से हम आ जाएंगे मैनिफेस्टो में और यहाँ पे आपका जो न्यू पैकेज नेम था उसे यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद, और फिर से हम आ जाएंगे बिल्ड ग्रेडल में। बिल्ड ग्रेडल में आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट ओल्ड पैकेज नेम को आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अपना कंट्रोल भी कर देना, ओल्ड पैकेज नेम न्यू पैकेज नेम आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। चलिए आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे अपना पैकेज नेम चेंज करना होगा। चलिए इन सब को हम क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना है, ऐप के बाद आपको आरिस फोल्डर में आ जाना है, आरिस फोल्डर के बाद आपको वैल्यूज में आ जाना होगा। जैसे आप वैल्यूज में आएंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, color.xml और style.xml। चलिए आपको मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप आना कैसे होगा। सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना है, आरिस फोल्डर में आ जाना है, वैल्यूज में आ जाना है, फिर आपको color.xml और style.xml में आ जाना होगा। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके भी आपको मैंने दिखा दिया है, चलिए आपको मैं एरो करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ जिसके आप देख सकते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आना होगा। चलिए आपको मैं जूम करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना है, आरिस फोल्डर में आ जाना है, वैल्यूज में आ जाना है, फिर आपको color.xml और style.xml में आ जाना होगा। चलिए इन हाईलाइट्स को हम हटा देते हैं और जूम आउट कर देते हैं। इसको हटाने के बाद सबसे पहले आपको color.xml में आ जाना होगा, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना होगा। चलिए इस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपके जितने भी ऐप के अंदर कलर यूज हुए हैं वो यहीं से हुए हैं। अगर आपको कोई कलर क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको कोई कलर चेंज करना है वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्पेशल कलर है तो यहाँ पे उसका कोड भी फिल कर सकते हैं, जिसके आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप बॉक्स बना रहा हूँ, जिसके आप देख सकते हैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको वो कलर भी और उसका कलर कोड भी फिल कर सकते हैं। मैनुअली अगर आपको कोई कलर चेंज करना है या बनाना है कलर तो वो आपको कैसे करना होगा, इसलिए आपको मैं सबसे पहले यही बता देता हूँ।
इन सबको हाईलाइट्स को हम हटा देते हैं और जो भी आपको कलर बनाना है वो यहाँ से आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर शो हो रहे होंगे और जो भी आपको कलर यहाँ से चेंज करना है या बनाना है तो उस पर आपको सिर्फ क्लिक कर देना होगा कलर पे। यहाँ पे आपको कस्टम पे आ जाना होगा। कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्रॉल करके आप कोई सा भी कलर बना सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल कलर है तो यहाँ पे उसका कोड भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे देख सकते हैं नीचे आपको डिफॉल्ट कलर भी आपको शो हो जाएंगे। इनमें से भी आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं या चूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको कलर चेंज करने होंगे यहाँ से आप वो कर सकते हैं। जिसके आप देखते हैं यहाँ से आप कोई भी डिफॉल्ट कलर भी चूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैंने बता दिया है कि आपको कलर कैसे चेंज करने होंगे। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं और सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ से आपको मैंने बता दिया कि आपको कलर कैसे चेंज करना होगा। चलिए आपको मैं एक बार फिर से और बता देता हूँ। सिर्फ आप कलर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको कोई सा भी कलर अगर आपको बनाना है तो स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई डिफॉल्ट फेवरेट कलर है तो उसका कोड भी फिल कर सकते हैं और नीचे आपको डिफॉल्ट कलर भी मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अब style.xml में। यहाँ से भी आपको जैसे आपने color.xml में कलर चेंज किए थे वैसे ही आप यहाँ पे भी style.xml में भी कलर चेंज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे आपने color.xml में किए थे वैसे ही आप style.xml में कर सकते हैं। सिर्फ आपको कलर पर क्लिक करना है, कस्टम पे आ जाना। कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आपका सेम प्रोसेस वही होगा। यहाँ से आप देख सकते कोई भी कलर यहाँ से आप बना सकते हैं, डिफॉल्ट कलर भी चूज कर सकते हैं और आपको कोई स्पेशल कलर है तो यहाँ पे आप उसका कोड भी फिल कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पे कलर कैसे चेंज करने होंगे और कैसे आपको कलर बनाने होंगे। चलिए इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप आप सबको क्लोज कर देंगे। सबको स्टेप बाय स्टेप हम क्लोज कर देंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपना स्प्लैश स्क्रीन ऐप का स्प्लैश स्क्रीन या ऐप के अंदर जो भी लोगो होंगे या आइकन होंगे उन्हें हमें कैसे चेंज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप आ जाएंगे लेआउट के अंदर। लेआउट के आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपके लेआउट के अंदर यहाँ पे जो भी स्प्लैश स्क्रीन होगी या जितने भी आपके लोगो होंगे या फिर आपकी जो भी इमेज होगी ऐप के अंदर वो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। अगर आपको उनमें से कोई इमेज या फिर आइकन जो भी इसमें से अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कैसे करेंगे, चलिए आपको हम ये बताएंगे कम्प्लीटली। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आइकन भी शो हो रहे होंगे ये जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। और आइकन हम देख लेते हैं इसके अंदर स्क्रॉल करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सा भी आपको डिपेंडेंसी क्लिक कर देनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने इसे क्लिक कर दिया है यहाँ पे आपको लोगो चेक कर लेने होंगे जो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपको इन्हें चेंज करना होगा वो हम बताएंगे आपको चेंज कैसे करेंगे। इसके आप देख सकते चलिए हमने इसे क्लिक कर दिया है यहाँ पे भी कोई लोगो या इमेज नहीं शो हो रही है। और देख लेते हैं हम इसमें जिसके आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप जिसके आप देख सकते हैं आपकी स्प्लैश स्क्रीन है इसे आपको कैसे चेंज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये भी बता देते हैं आपको चेंज कैसे करनी है। सबसे पहले आपको आ जाना होगा ड्राइवर फोल्डर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका ड्राइवर फोल्डर है इस पे आपको आ जाना होगा। चलिए हाईलाइट्स को हटा देते हैं और चलिए आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना होगा ड्राइवर फोल्डर के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए हाईलाइट्स को हटा देते हैं और ड्राइवर फोल्डर पे आपको आके राइट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे नीचे आ जाएंगे ओपन इन का एक ऑप्शन शो होगा। एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको ड्राइवर फोल्डर का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। ड्राइवर फोल्डर पे आपको डबल क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जितनी भी ऐप के अंदर इमेज थी वो आपकी सारी शो हो गई हैं। इनमें से कोई सी भी इमेज अगर आपको चेंज करनी है वो चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्प्लैश स्क्रीन आपको शो हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका लोगो भी है जो कि आपकी स्प्लैश स्क्रीन है। इसे आपको चेंज कैसे करना होगा, सबसे पहले जो भी आपकी जिस जगह से आपको जो इमेज चेंज करनी है उसको सबसे पहले आपको क्रिएट कर लेना होगा। जैसे कि हम आपको कोई डेमो के पर्पज पर कोई भी इमेज आपको क्रिएट कर लेनी होगी। क्रिएट करने के बाद जब यहाँ पे आपको उसे रिप्लेस करेंगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई सी भी अगर आप इमेज चेंज करेंगे तो सबसे पहले उसका आपको साइज देख लेना होगा जो भी इसका साइज है। जिसके आप देख सकते हैं इसका साइज आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका भी साइज आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका साइज देख लेना होगा और जब भी जो भी आप इमेज क्रिएट करेंगे तो इसी साइज की जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं इसी साइज की आपको इमेज क्रिएट करनी होगी। और यहाँ पे आप जब उस इमेज को रिप्लेस करेंगे तो सेम नेम होना चाहिए जिसके साथ उसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं तो अगर आप नेम भी सेम नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका एरर शो हो जाएगा। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप का नेम कैसे चेंज करेंगे।
चलो चलिए सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना होगा। ऐप के बाद आपको नीचे आ जाना होगा वैल्यूज के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं stream.xml का आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा। चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको कैसे आना होगा। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले ऐप में आ जाना है, आरिस फोल्डर में आ जाना है, फिर आपको वैल्यूज में आ जाना है, वैल्यूज के बाद आप आ जाएंगे stream.xml में। चलिए आपको मैं एरो करके भी आपको मैं शो कर देता हूँ, जिसके आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैं जूम करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जिसके आप देख सकते हैं ऐप में आ जाना है, आरिस फोल्डर में आ जाना है, वैल्यूज में आ जाना है, फिर आपको stream.xml में आ जाना होगा। चलिए इसे हम हाइलाइट्स को हटा देते हैं और stream.xml को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको अपनी ऐप का नेम चेंज करना होगा। तो ऐप का नेम यहाँ पे आपको मैनुअली सर्च कर लेना है। अगर आपको मैनुअली नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा सर्च करने के लिए, सबसे पहले आपको कंट्रोल एफ कर देना होगा, जिसके आप देख सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल एफ करेंगे तो यहाँ पे उसे नेम को ऐप नेम आपको टाइप कर देना होगा। जैसे आप ऐप नेम टाइप करेंगे, जैसे मैंने टाइप कर दिया, वैसे ही आपको टाइप करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके ऐप का नेम आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी जो भी आप अपनी ऐप का नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं बजट मैनेजर है इस ऐप का नाम। अगर आप कुछ भी आप इस ऐप का नाम रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको अगर डिस्क्रिप्शन कुछ अलग टाइप करना है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप या फिल कर सकते हैं। और नीचे आ जाएंगे, आपको जो आपको इसके अंदर चेंज करने लायक लगे वो आपको चेंज कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता जा रहा हूँ, आपको इनमें से अगर कुछ चेंज करना होगा तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ डिटेल मिल जाएगी। अगर आप इन्हें भी आपको अगर चेंज करना होगा, अगर आपको अपनी लाइनें कुछ लिखनी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता जा रहा हूँ, यहाँ पे आप चेकआउट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया है और यहाँ पे भी आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया है, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और देख लेंगे इसके अंदर हमें और कुछ क्या क्या चेंज करना होगा, वो भी आपको चेंज कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको फिर से मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चेंज करना होगा, और स्क्रॉल आउट कर लेंगे और देख लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक आईडी, जो कि आपकी फेसबुक ऐप आईडी होगी वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी होगी। जो भी आपकी फेसबुक ऐप आईडी है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। और स्क्रॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या चीज़ें चेंज करनी होगी, आपको स्क्रॉल आउट कर लेना होगा। जिसके आप देखते हैं यहाँ पे हमको स्क्रॉल आउट कर लेना होगा, अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंज करने लायक मिले तो आपको वो चेंज कर देना होगा। चलिए इसे हमने स्क्रॉल कर लिया है, जो भी हमें चेंज करने लायक मिला था हमने चेंज कर दिया है। आपको अगर कुछ और मिलता है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको अपनी ऐप का नेम चेंज कर देना होगा, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी अपनी ऐप का नेम रखना होगा वो आपको वहाँ पर फिल कर देना होगा। तो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप आप सबको हम क्लोज कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इन सबको क्लोज कर देंगे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम अपनी ऐप का लोगो कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना होगा, ऐप के बाद आपको आरिस फोल्डर में आ जाना है, आरिस फोल्डर के बाद आपको आ जाना होगा। यहाँ पे आपको मेम मैप का एक ऑप्शन देख लेना है। अगर आपको यहाँ पे मेम मैप का ऑप्शन शो नहीं होता है तब आपको क्या करना होगा, अगर आपके यहाँ पे मेम मैप का ऑप्शन आपको शो हो जाता है तो उस पर आपको राइट क्लिक कर देना होगा। अगर आपको यहाँ पे मेम मैप का ऑप्शन शो नहीं होता तो आपको ऐप में चले जाना होगा, सबसे ऊपर वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे आ जाना है और इमेज एसेट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे इमेज एसेट पे डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा अपनी ऐप के अंदर लोगो लगाने का। यहाँ पे आपको पाथ सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है। यहाँ पे आपको अपना पाथ सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पे भी आपने अपने लोगो को बना के रख रखा है उसकी लोकेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। अगर आपको कोई भी लोगो नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिप आर्ट पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट लोगो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ से भी आप कोई सा भी लोगो यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये चूज कर लिया है डॉलर का, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से आपको डॉलर का एक ऑप्शन मिल चुका है। डॉलर को भी आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के ऊपर कोई नाम फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स का ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप कोई सभी अपने लोगो के ऊपर नाम फिल कर सकते हैं। अगर उसका कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉन्ट चेंज करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर कोई कलर चेंज भी करना चाहते हैं तो कलर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अपने जो हमने लोगो बना के रख रखा है हम वही चूज कर लेंगे। यहाँ से उसका पाथ सिलेक्ट कर लेंगे, हमें इमेज पे आ जाना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम उसको जहाँ पे हमने अपना लोगो बना के रख रखा है उसका हम पाथ सिलेक्ट कर लेंगे या लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ से आप जहाँ पे भी आपने अपना लोगो बना के रख रखा होगा उसकी लोकेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने अपने यूट्यूब चैनल का ही लोगो हमने ले लिया है, जैसे कि आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा लोगो जो प्रॉपर सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, तो हमें ये पहले सबसे पहले सर्कल के अंदर लाना होगा। वो कैसे लाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको एडजस्ट करने का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ से उसे एडजस्ट कर लेना होगा अपने लोगो को, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमने अपने लोगो को एडजस्ट कर लिया, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा लोगो एडजस्ट हो चुका है। यहाँ से आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जिसके आप देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको फिनिश का एक ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपका लोगो आपकी ऐप के अंदर लग जाएगा। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप के अंदर एडमोब की ऐड कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना है, फिर आपको जावा के अंदर आ जाना है, फिर आपको कोम के अंदर आ जाना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना है, फिर आपको जावा पे आ जाना है। जावा के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड एडमोब का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। चलिए आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐप का ऑप्शन हो रहा है, फिर जावा का हो रहा है। जावा के बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद ऐड एडमोब का भी आपको ऑप्शन शो हो चुका होगा। चलिए इस पर हम डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी एडमोब की आईडी को रिप्लेस करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी एडमोब की बैनर आईडी को यहाँ पे आपको रिप्लेस कर देना होगा। फिर यहाँ से आपको एडमोब की इंडस्ट्रियल आईडी को यहाँ से आपको इसे रिप्लेस कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोनों को रिप्लेस करना है, एडमोब की बैनर आईडी को रिप्लेस करना है, फिर आपको सेकंड एडमोब की इंडस्ट्रियल आईडी को रिप्लेस कर देना होगा। चलिए आपको मैंने बता दिया है इसके अंदर आपको ऐड कैसे लगाने हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एडमोब की ऐड है, जो कि आपको अपनी ये एडमोब अकाउंट में मिल जाएगी आईडी दोनों की दोनों। आपको सबसे पहले वहाँ पे आपको क्रिएट करनी होगी आईडी, एडमोब की बैनर आईडी को क्रिएट करना होगा, फिर आपको सेकंड बैनर की एडमोब की इंडस्ट्रियल आईडी को क्रिएट करना होगा। चलिए इसे हम सबको क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे हमें अपनी ऐप का एपीके कैसे जनरेट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बिल्ड पे आ जाना होगा। चलिए आपको मैं हाईलाइट करके आपको सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसके आप देख सकते हैं ये आपको सबसे ऊपर एक बिल्ड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, जिसमें मैंने एरो करके भी आपको शो करा है और हाईलाइट करके भी आपको मैंने शो कर दिया है। फिर आपको नीचे आ जाना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड बंडल ऑब्लिक एपीके, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, बिल्ड बंडल एपीके का हो जाएगा और एक आप फाइल का हो जाएगा। यहाँ पे आप जो एपीके जनरेट करेंगे ये आपका टेक्स्ट मोड होगा, इसे आप जनरेट करने के बाद इसे अपने फोन में इंस्टॉल करके देख लेंगे। अगर इसके अंदर कोई भी एरर शो नहीं होता है तो फिर आपको बिल्ड जनरेट चाइना बंडल इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ से आपको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऐप बंडल और एपीके, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। एंड्रॉइड ऐप बंडल होता है ये प्ले स्टोर के लिए एलिजिबल होती है फाइल, और एपीके ये आपके अदर प्लेटफॉर्म के लिए भी एलिजिबल होती है और पब्लिश करने के लिए। तो चलिए इसे हम एपीके ही जनरेट करेंगे, क्योंकि इसे हम अदर प्लेटफॉर्म पे भी पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए हम एपीके पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कीस्टोन पाथ क्रिएट करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रिएट नाउ का भी एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका कीस्टोन पाथ का ऑप्शन शो हो जाएगा, क्रिएट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो कीस्टोन पाथ की लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी होगी, सबसे पहले यहाँ पे भी आपको ये कीस्टोन पाथ की लोकेशन सिलेक्ट करनी होगी, वो कर सकते हो। ऊपर आपको एक हाईलाइट करके मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल कर देना है, फिर आपको पासवर्ड फिल कर देना है, फिर यहाँ पे आपको जो भी सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी गई वो आपको फुलफिल कर देनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कीस्टोन पाथ की लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे, आपको उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपको कीस्टोन पाथ रखना होगा वो आपकी लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी होगी। और चलिए आपको मैं बता दूँ कीस्टोन पाथ का काम कब आएगा, जब आप इसे प्ले स्टोर पर पब्लिश कर देंगे अपनी ऐप को, उसके बाद जब उसे अपडेट करेंगे जब ये आपको कीस्टोन पाथ आपका काम आएगा। इसलिए आपको कीस्टोन पाथ हरदम संभाल के रखना होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम पासवर्ड फिल कर रहे हैं, तो पासवर्ड भी आपको संभाल के रखना होगा, याद करके रखना होगा। अगर आप ये कीस्टोन पाथ और ये पासवर्ड मिस कर देंगे तो आप अपनी ऐप को कभी भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को आपको संभाल के रखना होगा। फिर आपका वैलिडिटी का ऑप्शन आ जाता है, वैलिडिटी फिल कर देंगे, उसके बाद आपका फिर सर्टिफिकेट की डिटेल आ जाएंगी, जो भी आपकी डिटेल मांगी गई है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी होगी। तो
तो चलिए सबसे पहले हम जो भी हमारी डिटेल मांगी गई है वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे सारी स्टेप बाय स्टेप, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी सिटी आपको या आपकी सिटी या लोकेलिटी को आपको फिल कर देना होगा। फिर आपकी जो भी स्टेट होगी वो आपको फिल कर देनी होगी और फिर आपका लास्ट में आ जाएगा कंट्री कोड, यहाँ पे आपको अपनी कंट्री का कोड फिल कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जो भी डिटेल हमारी मांगी गई है वो हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया। फिर ओके का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ओके पे आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जो भी कीस्टोन पाथ क्रिएट करने के लिए बोल रहा था वो आपको हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको नेक्स्ट कर देना होगा और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एपीके की लोकेशन मांगी गई है। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद। अगर उसे आप डिफॉल्ट रहने देना चाहते हैं तो डिफॉल्ट रहने देंगे और नीचे आपका रिलीज का एक ऑप्शन शो रहा होगा, रिलीज पे आपको क्लिक कर देना है और फिर लास्ट में आपका क्रिएट नाउ का एक ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट नाउ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एपीके जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर भी डिपेंड करेगा कि अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है तो बहुत ही जल्दी जनरेट हो जाएगा आपका एपीके। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो है तो इसमें टाइम भी लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा इंटरनेट स्पीड सही है थोड़ी बहुत, तो हमारा एपीके हमारा जनरेट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन का भी ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम इस पर डबल क्लिक कर देते हैं और जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा एपीके का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे एपीके था उसकी लोकेशन आ चुकी है। ये आपका एपीके है जो कि आपका जनरेट हो चुका है, जिसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एपीके जनरेट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। We'll be right back.